हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्टार क्लासेस। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट टू। तो जिन्होंने अभी तक से पार्ट वन नहीं देखा है, वह स्टोरी साहिब के ऊपर थी, तो प्लीज़ मेक श्योर एक बार ये आप देख लीजिएगा स्टोरी को। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों के लिए दे दिया है। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टोरी को, यानी कि ये स्टोरी है मुकेश के ऊपर। चलिए देखते हैं मुकेश के बारे में। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये यहाँ पर इस स्टोरी की हेडलाइन है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में बस चर्चा करने जा ही रहे हैं और समझते हैं ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा है। जब राइटर मुकेश नाम के लड़के से मिलने गई, ये कहाँ का रहने वाला था, ये फिरोज़ाबाद का लड़का था। तो जब राइटर मुकेश से मिलने गई और उन्होंने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो मुकेश ने इंसिस्ट कर कहा ही वॉन्ट्स टू हिज ओन मास्टर, वो खुद का मास्टर बनना चाहता है, वो किसी के लिए कार्य नहीं करना चाहता, वो खुद के लिए काम करना चाहता है। और क्या बनना चाहता है, उसने कहा मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो ऐसे में राइटर ने उनसे पूछा क्या तुम्हें कुछ पता है कार्स के बारे में, तो मुकेश ने रिप्लाई दिया आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं चलाना सीखूंगा, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज। अब यहाँ पर राइटर ने ये बताया कि जब उसने मेरी आँखों में आँखें डाल के बोला तो मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि ये बच्चा जिसको अपना कुछ भी नहीं पता है कि किस सोसाइटी को बिलोंग कर रहा है, क्या ये सपना देख रहा है, लेकिन फिर भी इसकी आंखों में वो डिटर्मिनेशन मुझे देखने को मिली। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मैरिज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर हिज बैंगल्स। यहाँ पे राइटर ने आगे कहा कि माना कि इस बच्चे की चाह है कुछ अचीव कर जाने की, लेकिन ये जिस जगह पैदा हुआ है यानी फिरोज़ाबाद में, और आप सभी को पता है फिरोज़ाबाद किसके लिए फेमस है, बैंगल्स के लिए। तो जब बच्चा ऐसे जगह में पैदा हुआ है जहाँ पे हर एक घर के सदस्य बैंगल मेकिंग के कार्य में लगे हुए हैं, तो ऐसे में ये बच्चा अगर कुछ पाने की कोशिश कर भी रहा है, कुछ करने की कोशिश कर भी रहा है, अलग हट के अपनी लाइफ के अपनी कोशिश करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी ये जो सपना है वो कैसा है उसका, इम्पॉसिबल सा है उस बच्चे के लिए अचीव करना। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मैरिज, यहाँ पे इस बात का यही मतलब दिया गया है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, जितनी भी आपको फैमिलीज देखने को मिलेंगी ना फिरोज़ाबाद में, वो सब लोग इंगेज थे कौन से बिजनेस में, बैंगल मेकिंग के। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ग्रोइंग इंडस्ट्री, सभी को पता है कि फिरोज़ाबाद एक सेंटर है इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, जहाँ पर बैंगल्स का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे फैमिलीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन काम करती है बैंगल्स बनाने का। बैंगल्स कैसे बनते हैं, फर्नेसेस भट्टी में बनते हैं बैंगल्स, वेल्डिंग करी जाती है ग्लास की, फिर बैंगल्स बनते हैं उन सारी विमेन के लिए जो पहनती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना काम करना पड़ता होगा, कितने गर्मी में बिना लाइट के भट्टी में बैठकर उन्हें बैंगल्स बनाने पड़ते हैं। तो ऐसे में ये अगर बच्चा कुछ अलग करने की सोच रहा है तो इस बच्चे के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। मोर ओवर इसका जो सपना है, अगर आसपास की इसकी रियलिटी को देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉसिबल सा भी है, इजंट इट। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। सो मुकेश की फैमिली उन्हीं में से थी। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल, इलीगल मतलब ऐसा कार्य जो कि लीगली मना किया जाता है, लीगल ना हो। जैसे कि यहाँ पे बच्चे लोग थे, उन्हें ग्लास फर्नेसेस में काम करने को बोला जाता था। भाई देखिए, फैमिली में पैसा नहीं है, सो दे हैव टू वर्क, एवरी अदर मेम्बर हैज़ टू वर्क इन द फैमिली। सो इन दैट केस अगर बच्चे लोगों को भी बड़े होते थे थोड़ा सा, तो फैमिलीज उनको लगा देती हैं काम पर, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये इलीगल है। दिस इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर इन सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। भाई अगर मान लीजिए अगर एयर आएगी लाइट आएगी तो भट्टी जो है कैसे काम हो पाएगा, खुद सोचिए। बिना किसी लाइट के, बिना हवा के बच्चा एक सोर्स, सिर्फ एक ओनली सोर्स ऑफ लाइट में काम करे जा रहा है, तो उसकी आँखों में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी कारण बच्चे जो हैं अपनी आईसाइट को भी खो देते हैं। आगे यहाँ पे यही लिखा हुआ है दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, अगर लॉ इन्फोर्स करा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप कोई भी आर्टिकल लिखते हो
ठीक है, कोई भी टेस्ट लिखते हो या फिर आप स्पीच लिख रहे हो और अगर लॉ के बारे में कुछ भी लिखने जा रहे हो तो हमेशा याद रखना लॉ के लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है ना, इन्फोर्स, लागू करना, ठीक है, इसको हिंदी में हम लागू करना कहते हैं। लॉ के साथ ये हमेशा वर्ड इस्तेमाल होगा। मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये जो शब्द आप पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं आप ग्रामर में इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आगे पढ़ते हैं, लॉ अगर लागू करा जाए कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन, इस बच्चे को यानी यहाँ पे जो फैमिली में काम कर रहे हैं, एंड उन 20,000 बच्चों को उस हॉट फर्नेसेस के बाहर लाया जा सकता है अगर ये लॉ को लागू करा जाएगा, जहाँ पे वह बच्चे पूरा दिन काम करते हैं और इसके बाद इतना काम करने के बाद उनकी आईसाइट वीक हो जाती है और अपनी आँखों की रोशनी तक खो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एक छोटे से बच्चों को, वहाँ पर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चलिए इस स्टैंजा को नेक्स्ट स्टैंजा को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रेड पेन से मार्क कर दे रही हूँ। ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर इन सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, जब भी आपके सामने लॉ स्प्रिंग का क्वेश्चन आएगा मुकेश से रिलेटेड, ठीक है, तो अगर आपको कंडीशन बताने को दिया जाएगा तो प्लीज़ मेक वन थिंग श्योर, ये जो लाइन मैंने ग्री यहाँ पे आपको रेड पेन से अंडरलाइन करके दिखाई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी की पूरी मैंने यहाँ पे बुक पढ़ा रही हूँ, रीज़न क्या है मैं समरी पढ़ा के छोड़ सकती हूँ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आई बिलीव आई शुड ऑल्सो टेल यू दिस थिंग कि कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आंसर करोगे मुकेश के चैप्टर का, और अगर आपको अपियरेंस बताना है किसी भी सप्लीमेंट्री बुक का, आंसर नहीं लिखना है, आंसर लिखना है यही ग्लास फर्नेसेस, फर्नेसेस ही होना चाहिए। अभी इसको रटना है रटो, समझना है समझो, ठीक है, दो तीन बार रीड करोगे लिखोगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, देयर इज़ नो नीड टू, रटने का नीड नहीं है इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, नो दिस इज़ अ वेरी गुड वर्ड, स्लॉग पूरा दिन कार्य करना है ना, पूरा दिन डे लाइट आवर्स में लगे पड़े हैं काम करने के लिए, नो दिस इज़ ऑल्सो अ वर्ड विच यू कैन यूज वाइल राइटिंग योर आंसर रिलेटेड टू द मुकेश पार्ट, ठीक है। मैं ऐसे करके जो जो इंपॉर्टेंट आएंगे उसको अंडरलाइन करवाती जाऊँगी, प्लीज़ मेक श्योर अपनी बुक्स में भी कर लेना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। नाउ कमिंग बैक टू द पैसेज, मुकेश आईज बीम एज ई वॉलंटियर टू टेक मी होम। अब यहाँ पे राइटर जो है उनके घर जाने की बात करती है, तो मुकेश की आंखें एकदम चमक उठती हैं और वो राइटर को अपने साथ अपने घर लेके जाने लगता है, विच ही प्राउडली से, जो एकदम प्राउड होके कहता है कि अभी अभी मेरा ना घर रीबिल्ट हुआ है, ठीक है। वी वॉक डाउन, अब जब राइटर उन गलियों में से गुजर रही थी तो उन गलियों का नज़ारा बताती हुई जा रही थी, उन्होंने कहा वी वॉक डाउन, यहाँ पे वी कौन है, मुकेश एंड राइटर हरसेल्फ, तो वो लोग गलियों से निकलते गए, स्टिंकिंग लेन, पतली पतली गलती गलियाँ सी थी, बहुत सी स्मेल आ रही थी गंदी सी, गार्बेज एकदम कोने कोने में पड़ा हुआ था, जो घर बने हुए थे उनमें सारी सीलन थी, अजीब सी स्मेल आ रही थी, पास्ट होम दैट रिमेन हाउल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, घरों के पास से जब वो गुजर के गए तो दीवारें एकदम आधी टूटी हुई थी, वॉबली डोर्स यानी कि जो दरवाजे थे एकदम शेक कर रहे थे, है ना, हिल रहे थे, एकदम ऐसी कंडीशन दिखाई गई थी जैसे नहीं, एकदम पतली पतली गलियां हैं, स्मेल आ रही है, दरवाजे अजीब से एकदम जैसे टिके हुए हैं बस, और वॉल्स जो है एकदम दीवारें जैसे रो रही हैं, जैसे सीलन पड़ जाती है वाइट कलर से, एकदम ब्लैक से अजीब से हो जाती है, घरों में कोई खिड़की नहीं थी, वॉबली डोर्स यानी कि जो दरवाजे थे एकदम शेक कर रहे थे, है ना, हिल रहे थे, एकदम ऐसी कंडीशन दिखाई गई थी जैसे नहीं, एकदम पतली पतली गलियाँ हैं, स्मेल आ रही है, दरवाजे अजीब से एकदम जैसे टिके हुए हैं बस, और वॉल्स जो है एकदम दीवारें जैसे रो रही हैं, जैसे सीलन पड़ जाती है वाइट कलर से, एकदम ब्लैक से अजीब से हो जाती है, घरों में कोई खिड़की नहीं थी, जो फैमिलीज थी और एनिमल्स सब एक साथ रह रहे थे, तो को एग्जिस्ट कर रहे थे प्रीमेवल स्टेट में। प्रीमेवल यहाँ पे जो ऑथर उन्होंने शब्द इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि इसका मतलब है जैसे पहले के समय में लोग रहते थे प्रीमेवल स्टेट में। नाउ ऐसे करते करते जब सारी गलियों में से ऑथर और मुकेश निकल के आए तो उन घरों में से एक घर में जाकर मुकेश रुका। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स ऑन द वॉबली डोर
उसने बैंग करा घर पे दरवाजे में, ठीक है, वॉबली डोर, इसके घर का भी ऐसे ही दरवाजा था, अपने पैरों से, और उसके बाद इसको उसने दरवाजे को खोल दिया, पुशेस इट ओपन। सो हम उस घर में, यहाँ पर अब इस पैराग्राफ में ऑथर ने बताया, वी एंटर अ हाफ बिल्ड शैक, इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास इज अ फायर वुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पेनिश लीव्स ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर्स ब्रदर Mukesh's elder brother. Not much older in the years, she had begun to command respect as Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of three men, her husband, Mukesh and their father. तो यहाँ पर जैसे ही author उनके साथ गई मुकेश के साथ, तो मुकेश ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो author ने जो नज़ारा देखा उनको वो यहाँ पर बयां कर रही हैं. We entered a half-built shack. हम ऐसे घर में इंटर करे थे जो कि थोड़ा बहुत बिल्ड था, हाफ बिल्ड था, पूरी तरह से नहीं था. एक हिस्से में डेड ग्रास से पूरा कवर था, जहाँ पर फायर स्टोव लगा हुआ था, फायरवुड स्टोव, उसके ऊपर लार्ज वेसल में सब्जी बन रही थी स्पेनिश की, वो बताया गया है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं लिखना है. ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में क्या पड़ा होता, एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का प्लेटर पड़ा होता जिसमें और कटी हुई सब्जी रखी हुई थी, चॉप्ड वेजिटेबल्स. उसी के बगल में एक पतली सी यंग वुमेन थी जो कि खाना बना रही थी पूरी घर के लिए. पूरे घर में जो था थोड़ा धुआं सा था, थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक, वो हंसकर उनको ग्रीट करती हैं राइटर को. शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और ये किनकी वाइफ है, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ हैं, यानी उनकी भाभी हैं. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उनका इतना उम्र नहीं था, बट स्टिल She began to command respect as the Bahu because she was the daughter-in-law of the house. और उनके charge में कौन लोग थे, उनके husband यानी मुकेश के भाई, मुकेश खुद और उनके father, ठीक है. फिर क्या हुआ, इतनी ही देर में जब उन्होंने इतना पूरा नज़ारा को नोट करा तो उतनी देर में old man enter हुए, यानी कि मुकेश के father. She gently withdraws behind the broken wall. अब यहाँ पर she कौन है, एकदम से जैसे ही देखा कि सामने फादर आ गए हैं तो उनकी जो बहू थी वो एकदम से पीछे दीवार की तरफ हो गई, और अपना जो घूंघट है, व्हील है ना, ब्रिंग हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, यानी कि अपना चेहरा उन्होंने छुपा लिया रिस्पेक्ट के तौर पे, दुपट्टा तुरंत कर लिया. इन दिस केस एल्डर, अभी इस केस में यहाँ पे बात कर रही है राइटर, तो उन्होंने कहा जो एल्डर है एक इनपॉवरिश्ड बैंगल मेकर है, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, उन्होंने इतना मेहनत जीवन भर करा, पहले वो टेलर थे, फर्स्ट एज अ टेलर, देन अ बैंगल मेकर, उसके बाद उन्होंने बैंगल मेकिंग का काम चालू करा. ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, वो घर को तो रेनोवेट नहीं कर पाए और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी स्कूल ना भेज पाए. He has failed to renovate a house, send his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. और उन्होंने क्या करा, जो उन्हें आता था सबसे अच्छे से, बस वही वो सिखा पाए अपने बच्चों को, और वो क्या था, बैंगल मेकिंग, दैट्स इट. यहाँ पे बोला मुकेश की ग्रैंडमदर ने, इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, ये करम ही है और ये डेस्टिनी है. मुकेश की ग्रैंड मदर ने कहा, जिन्होंने हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, उनके हस्बैंड की आंखें चली गई थी जो कि डस्ट के कारण हुआ, जो जब पॉलिश करते हैं ना ग्लास के बैंगल्स को, तो उस डस्ट के कारण इतना ज़्यादा हार्मफुल रहता है कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई उनके हस्बैंड की. तो उन्होंने कहा कि ये तो कर्म है और यही तो डेस्टिनी हमारी. उन्होंने कहा, क्या हम कभी भी भगवान की दी हुई लाइनेज को क्या कभी तोड़ सकते हैं, इट्स रियलिटी, रियलिटी है बट सच्चाई है. तो यहाँ पे आगे यहाँ पे ऑथर ने बोला, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, सभी लोग जो हैं बैंगल मेकर की कास्ट में बॉर्न हुए हैं और उन्होंने अपने आसपास
कुछ नहीं देखा, सिर्फ बैंगल्स को देखा है। घर में, आंगन में, हर एक एक दूसरे घर में, दूसरों के आंगन में, स्ट्रीट में फिरोजाबाद की, तभी तो ये सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग सेंटर है। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड कलर का, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, हर कलर का आपको देखने को मिलेगा। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ट यार्ड्स, यानी कि जैसे एक के साथ एक माल रखा जाता है ना, एक साथ इकट्ठा करके पूरा पाइल्स पे पाइल्स रखी जाती हैं सबके आंगनों में, इतने ढेर सारे बैंगल्स बनते हैं। उसके बाद वही उठाकर जो पाइल्स होते हैं फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स पे रख दिया जाता है और पुश करा जाता है यंग मैन द्वारा, जो कि नैरो लेन्स से होते हुए जाते हैं ऑफ द शांति टाउन। यहाँ पे टाउन को शांति क्यों कहा गया है? शांति का मतलब होता है ऐसा टाउन जो कि बहुत छोटा सा हो और छोटे छोटे जहाँ पे घर बने हो, पूरे बिल्ड भी ना हो, तभी यहाँ पे उन्होंने रेफर करा शांति टाउन्स। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स और फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद द फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इन टू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क than the light outside. That is why often end up losing their eyesight before they become adults. तो यहाँ पर राइटर ने दर्शाया कि किस प्रकार से ये लोग काम करते हैं। देखिए, लाइट तो होती नहीं है वहाँ पे, तो जो भी ऑयल लैम्प होते हैं उसके बगल में बैठ के बच्चे यानी लड़का लड़की हो गए, फादर और मदर हो गए, वेल्ड करते हैं, जोड़ते हैं जो पीसेस होते हैं कलर्ड ग्लास के, जो बैंगल्स का नहीं सर्कल होता है जिसकी स्पेस होता है, तो थोड़े वो लगाते हैं, थोड़े डिज़ाइन वाले जो बैंगल्स होते हैं, तो वह कार्य करते हैं, वो भी किसकी रोशनी में? ऑयल लैम्प की रोशनी में, जिसकी बत्ती जो है फ्लिकर करती है ना, जलती है, बुझती है, हल्की बहुत हिलती है। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में लोग काम करते हैं, उनकी जो आँखें हैं ना वो एडजस्टेड रहती हैं ज़्यादा डार्क में एज़ कम्पेयर टू द लाइट आउटसाइड, और इस कारण उनकी जो आई साइड है बड़े होते होते बच्चों की आँखों की रोशनी चली जाती है। उनमें से यहाँ पर राइटर ने बताया सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस। यहाँ पर सविता एक बच्ची है, उसके बारे में बताया गया कि वो पिंक कलर की ड्रेस पहन के बैठी हुई है एक एडोली वुमेन के बगल में और सोल्डरिंग कर रही है पीस ऑफ ग्लास को। एज अ हैंड मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। ऐसा लग रहा था उसके हाथ मशीन की तरह काम कर रहे हैं, और मुझे ये सोच के बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या उसे पता है कि ये जो बना रही है बैंगल्स, इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। बैंगल्स क्या सिंबलाइज करते हैं? इंडियन वीमेन सुहाग, ऑक्सपिशनस इन मैरिज, जो कि बहुत ही प्योर माना जाता है। रियलाइज़ होगा कि कितना ऑक्सपिशियस होता है रोल बैंगल्स का वीमेन की लाइफ में। शी विल देन बिकम अ ब्राइट लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर who became one many years ago. So, यहाँ पर राइटर ने कहा कि हो सकता है उसको ये ना पता हो अभी, लेकिन हाँ एक वक्त ज़रूर आएगा जब इसके सर पे लाल घूंघट होगा, इसके हाथों में मेहंदी लगी होगी, और हाथों में जब इसको ये लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी, शादी करेंगी जो उनके बगल में बैठी हुई हैं, और उनकी शादी बहुत साल पहले हो चुकी है, लेकिन उनके हाथ में अभी भी बैंगल्स हैं, लेकिन आँखों में कोई रोशनी नहीं। तो यहाँ पर ये जो लाइन है बहुत ही डिप्रेसिंग सी लाइन है। खुद सोचिए कि आज भी उनके हाथ में बैंगल्स है लेकिन आँखों में रोशनी नहीं है, शी कैन नॉट सी एनीथिंग। आगे यहाँ पे राइटर ने बताया, एक वक्त से भर पेट खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन ऑफ अ फ्लोइंग ब्लियर्ड सेज, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। तो यहाँ पे एज सच ये एक वेमेन से मिली, उन्होंने कहा कि हमने तो एक वक्त से भर पेट खाना भी नहीं खाया है, तो उन्होंने पूरी लाइफ भर में अपनी एक फुल मील भी नहीं खाया है। हर हस्बैंड जो उनके साथ बैठे हुए थे, एक ओल्ड मैन थे, उनकी बियर्ड का डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि बहुत बड़ी सी बियर्ड थी, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ बैंगल्स बनाने आते हैं, और जो भी मैंने अपनी लाइफ में करा है सिर्फ एक घर बना दिया है जिसमें मेरी पूरी फैमिली रह सकती है, दैट्स इट। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन द लाइफ टाइम्स, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। उनको सुनकर कोई ये तो सोच सकता है कि एटलीस्ट उन्होंने कुछ तो अचीव करा,
जो कि बाकी लोग अपनी लाइफ टाइम नहीं कर पाए. एटलीस्ट घर तो है, इनके सर पे एक छत तो है रहने के लिए. नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग इनफ मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम. हर घर की यही कहानी है वहाँ पर कि सबके पास पैसे नहीं कि दूसरे बिजनेस को ओपन कर पाएँ या कुछ और सोच पाएँ, और ना ही कुछ एक्स्ट्रा आता है. इसी कारण उन्हें बैंगल ऑफ बिजनेस क्या करना पड़ता है, बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स. और ये जो है इन्हें ना इतना पैसा देता है ना ही भरपेट खाना प्रोवाइड करता है, लेकिन करना पड़ता है रोजी रोटी के लिए. सो यंग मैन एको द लिमिट ऑफ देयर एल्डर्स. जो बच्चे लोग होते हैं इस प्रोफेशन में उतरे होते हैं, उनका भी यही चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम. ना पैसे मिल रहे हैं ना ही खाना हो पा रहा है. लिटिल हैज़ मूव विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद. ऐसा लग रहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन कहानी सबकी सेम है. ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू. का है माइंड नंबिंग टॉयल का मतलब है जो बोरिंग सा फिजिकल वर्क ये लोग कर रहे हैं इतने सालों से, ये सारे लोगों का जो इनिशिएटिव है, ये भी सोचना कि आगे क्या करना है या चेंज करना है कुछ, सब कुछ एकदम मार सा गया इन सबको. एक इच्छा होती है जीने की, ड्रीम करने की, वो भी इन लोगों ने खो दी है. दे आर जस्ट लिविंग, दैट्स इट. फिर आगे यहाँ पे राइटर ने बताया, व्हाई डोंट यू ऑर्गेनाइज योर चिल्ड्रन टू अ कोऑपरेटिव. आई आस्क अ ग्रुप ऑफ मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स. तो यहाँ पर राइटर ने, बहुत सारे यंग मैन खड़े थे उनके सामने, उनसे पूछा कि आप सब लोग ग्रुप में क्यों नहीं आ जाते हैं और लड़ाई क्यों नहीं करते हैं इस बारे में कि आपके साथ इतना बुरा हो रहा है, आप लोग पूरी मेहनत करते हो, स्टिल ये जो मिडिल मैन होते हैं आप लोग का फ़ायदा उठा रहे हैं. आपके फादर्स का फ़ायदा उठाया था इन लोग ने और आपके फोर फादर्स का भी उठाया है. तो यहाँ पर उनका जवाब था, इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम एक साथ एकजुट हो भी जाते हैं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस. हम ही लोग होंगे जो पुलिस हमें लेकर चली जाएगी, मारेगी और हमें जेल में ऐसे काम के लिए डाल देगी जो हमने किया भी नहीं होगा, समथिंग दैट इज़ इलीगल. देर इज़ नो लीडर अमंग देम. यहाँ पे फिर राइटर ने कहा, मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे कोई लीडर नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो इनको ये दिखाए कि चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखा जा सकता है. ये लोग ठीक अपने फादर एंड फोर फादर्स की तरह थके हुए हैं, टायर्ड हैं और हारे हुए हैं इन फ्रंट ऑफ दीज मिडलमैन. टू एपैथी, यानी कि कोई कंसर्न ना होना, टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस. तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इस कारण इनजस्टिस तक ये लोग पहुँच जाते हैं. लिसनिंग टू देम, इतनी सारी बातों को सुनने के बाद यहाँ पे राइटर ने कहा, मैं दो दुनिया को देख सकती हूँ यहाँ पे. एक उन फैमिली की जो कि पॉवर्टी की जाल में फंस चुके हैं, दे बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट जिसमें वो पैदा हुए हैं. यू कैन यूज़ दिस वर्ड, स्टिग्मा ऑफ कास्ट, ओके. द अदर, जो विशेष सर्कल है साहूकार्स का, मिडिल मैन का, पुलिस मैन का, द कीपर ऑफ लॉ का, द ब्यूरोक्रेट्स का एंड पॉलिटिशियंस का, टुगेदर उन्होंने इम्पोज करा है बैगेज ऑन दीज चिल्ड्रन जो कि कोई और कर नहीं सकता. एंड डेयरिंग, बिल्कुल इनका पार्ट नहीं है बढ़ने का. व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. जब मैंने ये फ्लैश देखा मुकेश की आंखों में, वो चमक देखी अपनी लाइफ में एक एम को पाने की, मोटर मैकेनिक बनने की, तो मुझे बहुत खुशी हुई. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, उन्होंने रिपीट करा. ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न, और उन्होंने ये भी कहा कि वो गैराज जाएगा और लर्न करेगा. लेकिन फिर यहाँ पे राइटर ने कहा कि गैराज तो बहुत दूर है तुम्हारे घर से. तो मुकेश ने कहा, तो क्या हुआ, मैं चल कर जाऊँगा. सो यहाँ पर राइटर ने उनसे पूछा, क्या तुम ये भी सपना देखते हो कि तुम्हें प्लेन उड़ाना है. तो यहाँ पर मुकेश एकदम शांत सा हो गया. उसने कहा, नो, नीचे देखकर ग्राउंड में. इन ए स्मॉल मर्मर, एक एम्बैरेसमेंट सा था जो कि अभी तक से रिग्रेट में नहीं बदला है. यानी कि मुकेश को कोई भी रिग्रेट नहीं है कि उसने अपनी एम जो मोटर मैकेनिक बनने की है ऑथर को बताई. ही इज़ कंटेंट, वो खुश है कि वो कार्स को चला पाएगा जो कि वो स्ट्रीट से देखता है फिरोजाबाद की. और ये बात भी है कि उसने कभी प्लेन के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि फ्यू प्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, लेकिन उसने स्ट्रीट्स में जाती कार को बहुत बार देखा है. एंड वो बहुत खुश है और वह बहुत ज़्यादा कंटेंट है टू बी अ मोटर मैकेनिक. ओके,
सो आई होप यहाँ तक आपको ये जो स्टोरी है अच्छे से समझ आई हो. अगर आई हो गाइस तो प्लीज़ मेक श्योर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.